नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एडवोकेट मितेश दवे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 392 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 392? इस धारा के अंतर्गत कितने साल की सजा का प्रोविजन किया गया है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। भारतीय कानून में कोई भी अपराध कितने भी बजे किया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपराध अपराध ही होता है, चाहे वो कितने भी बजे किया गया हो। लेकिन एक अपराध ऐसा है जिसमें टाइम का बहुत फर्क पड़ता है, और वो अपराध है लूट का अपराध। इस अपराध में लूट कितने बजे की गई थी, समय के हिसाब से सजा का निर्धारण किया जाता है। अगर रात के समय लूट की गई है तो लुटेरों की सजा अलग निर्धारित होती है, और दिन के समय की गई है तो अलग निर्धारित होती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 392 की परिभाषा की बात करें तो आईपीसी की धारा 392 के अंतर्गत जब भी कभी लूट होती है तो उसमें न्यूनतम सजा 10 साल और कठिन कारावास निर्धारित की गई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले लूट करता है तो इसी धारा के अंतर्गत 14 साल का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। अगर लूट करते समय हत्या हो जाती है तो हत्या के अपराध के साथ धारा 392 जोड़ा जाना वैध होता है। ये अपराध कभी भी समझौता योग्य नहीं होते, ये संगनीय और अजमानती अपराध होते हैं। इसकी सुनवाई का अधिकार फर्स्ट ग्रेड मैजिस्ट्रेट के पास होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आईपीसी की धारा 392 के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।